दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आपने दूध का कर्ज फिल्म तो देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म में अरुणा ईरानी और जैकी श्रॉफ का रोल काफी अहम रहा। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ की मां पार्वती की भूमिका अरुणा ईरानी ने निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, इस अभिनेत्री को 90 की दशक की मां के रूप में जाना जाता है, लेकिन अरुणा अब इतनी बदल गई हैं कि शायद आप उसे अब पहचान नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अरुणा ईरानी का जन्म 3 मई 1952 में मुंबई में हुआ था और अरुणा एक अच्छी अभिनेत्री के साथ साथ एक डांसर भी रही हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। जी हाँ दोस्तों, सबसे अहम बात ये रही कि अरुणा ईरानी ने फिल्म इंडस्ट्री को अपने 45 साल दिए और अब अरुणा ईरानी के पास बॉलीवुड में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं बचा है और अब उन्हें कोई काम नहीं देता है। लेकिन अपनी आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और वे टीवी पर सक्रिय हो चुकी हैं। दोस्तों उन्होंने 20 से अधिक टीवी कार्यक्रमों में काम किया है और उसमें भी वे एक जबरदस्त भूमिका निभाती है और दर्शकों के बीच उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है। तो दोस्तों आप हमें वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अरुणा ईरानी की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड बाय।